बार की मायावती की सरकार तो आएगी ही। मायावती बहन जी आएंगी। अच्छा, कुछ नहीं मोदी जी, कुछ नहीं दिए। दोबारा नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ? ईवीएम में भरोसा नहीं कुछ है। मोदी जी ने काम वगैरह किए हैं यहाँ वाराणसी में? वाराणसी में कुछ काम नहीं किए, बस वो बल्ब तो पहले ही का लटका था, वो लटका दिए अड़ुआ वाली बल्ब, अड़ुआ वाला बल्ब लटका हुआ है, और कुछ किए कुछ नहीं। ईवीएम पर भरोसा है आपको? ईवीएम में भरोसा नहीं कुछ है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है मोदी जी आएंगे दोबारा? दोबारा नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते क्योंकि अखिलेश यादव ने इतना काम कर दिया है। अच्छा। यूपी में यूपी की सरकार अगर बदलती है तो भी अखिलेश की सरकार आएगी, अगर केंद्र की सरकार बदलते हैं फिर भी अखिलेश की सरकार आएगी। कोई काम नहीं किया? नहीं नहीं, काम नहीं किया। मोदी जी ने काम किया या नहीं? नहीं, कोई काम नहीं किया। आवास मिलवाना, कुछ नहीं मिला हमने के मोदी। आवास वगैरह, शौचालय, कुछ नहीं मोदी जी, कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खाते खेते में जाते हैं। अच्छा, मायावती जी आएंगी क्या इस बार? हाँ, मायावती बहन जी आएंगी। हाँ, मैं आती हूँ। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ ना कि इस बार की मायावती की सरकार तो आएगी ही, गारंटी के साथ आएगी, और जो इसमें गठबंधन हुआ है हमारे अखिलेश जी और मायावती जी का गठबंधन हुआ है, और जो हमारा काम हो रहा है इसमें हमारे अखिलेश जी और मायावती जी यहाँ पे आए हैं, और जो हमें इतना अच्छा लग रहा था कि इतनी काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिल रही थी, और यहाँ पे काम के नाते मैं मोदी जी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को बुरा नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी खराब है, ठीक है, मेरा कहना ये है कि मोदी जी यहाँ क्या काम किया है कि हाँ यहाँ पे ट्रैफिक जो सुविधाएं होती है, ट्रैफिक जो जाम होता है, वहाँ इन्होंने ब्रिज बनवाया है, ठीक है, ब्रिज बनवाते हुए लेकिन इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि आदमी को तब पर भी तकलीफ हो रही है, जाने के लिए रास्ते पे दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे जो हमारे गठबंधन की यहाँ पे इतनी कुर्सियाँ देख रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे समाज के लिए आरक्षण और सुविधाएँ दी हैं, उनका कहना है कि उन्हें बंद कर दिया जाए मोदी जी का, ठीक है। अच्छा, जय भीम, जय भारत। ईवीएम पर भरोसा है? अरे ईवीएम पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ईवीएम एक ऐसा ईवीएम पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि ईवीएम एक ऐसा मशीन है जो कि उनके ही राज्य के, उनके ही द्वारा, उनकी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, और हम कैसे भरोसा कर लें कि वो सही चीज़ है, कैसे हम भरोसा कर लें, क्योंकि हम बैलेट पेपर भरोसा करेंगे, अगर वो कार्य बैलेट पेपर से होगा तो हम उसे मानेंगे, उसे सब समझेंगे, लेकिन उनका ही सरकार है, उनके लोग हैं, उनके कार्य, उनके भ्रष्ट, सब सरकारें ही भ्रष्ट है, तो सब सरकार भ्रष्ट, तो हम क्या कह सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल, शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।